बयान के सिलसिले में उसके बाद की तजदीद और फेडरेशन से माफी मांगने का ये सारा सिलसिला, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? मेरा ख्याल है कि शफी पीर कड़ियावाला साहब एक मंझे हुए सियासतदान हैं और उन्हें अपने बेटे की गलती का एहसास हुआ है। आई सपोज आपके ख्याल में टीम के दूसरे लड़कों को इससे शय नहीं मिलेगी? मेरा ख्याल है कि शय नहीं मिलेगी। हमने पिछले कोच और मैनेजर को तब्दील कर दिया। कोच और मैनेजर तब्दील करने से डिसिप्लिन आ जाएगा टीम में? हाँ, देखिए कोई भी तब्दीली किसी न किसी बेहतरी की ख्वाहिश के साथ की जाती है, ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होती। पिछले कोच और मैनेजर को दीगर जिम्मेदारियां सौंपी गई। क्या हैदर जमान साहब को तो मैनेजर नहीं बनाया जा रहा? करेक्ट, आपका ख्याल बिल्कुल सही। पिछले दिनों फंड्स के अंदर होने वाले घपलों की इंक्वायरी शुरू करवाई है आपने? हाँ, वो असल में अभी चल रही है। देखिए ये ऑफ द रिकॉर्ड है, प्लीज़। हमारा एक ये कौमी अलमिया है कि हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट यही बद्दयानती है। हम अपने भाइयों का गोश्त नोचते हैं, हकदारों से उनका हक छीन कर खा जाते हैं, लड़कों का हक मारते हैं। अभी ये कैंप लगने वाला है, आप देखें कि पिछले जमानों में लड़कों के ठहरने के लिए क्या इंतजाम थे। मैंने स्पेशली हॉस्टल्स में और दो तीन अच्छे होटल्स में उनकी रहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए फंड्स अप्रूव करवाए हैं। अब अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ मिलकर उन फंड्स में खुर्द बुर्द करता है तो दरअसल वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएगा। सर, इसका मतलब है आपको खदशा है कि फंड्स में घपला होगा? कब नहीं हुआ, कब नहीं हुआ घपला, आप बताएं मुझे। लेकिन दुआ करें। सर, दुआ से क्या होगा? हमने कभी सच्चे दिल से दुआ की ही नहीं, तो हमें क्या मालूम कि दुआ से क्या होता है। आइए आइए, हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें हर पे दुआ याद है, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद है। आइए हाथ उठाए। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक्स। कमाल है, अली नासिर को भी आज ही इतना मसरूफ होना था। सानिया, हम बायरा को कहाँ तलाश करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब है ये भी, पागल है पूरी, पता नहीं बोरिया बिस्तर समेट के कहाँ दफा हो गई है। कैसी अजीब लड़की है ना वैसे। इस चीज का बार बार ख्याल आता है कि कैसी दोस्त है हमारी, जिसके बारे में हमें इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम कि वो हमारी दोस्त है और उसका नाम ताहिर है। क्या करें? नासिर, ताहिरा कहाँ है वो? तुम्हें नहीं मिली वो? मुझे मुझे मिली थी, लेकिन फिर वो चली गई। मैं तो ये समझा कि वो तुम्हारी तरफ होगी। ना तो वो हमारे घर पर है और ना ही हॉस्टल में। क्या? तो फिर कहाँ है? यही मालूम करने तो हम आपके पास आए। तो ये ताहिरा की बच्ची से कुछ बईद नहीं है, पता नहीं कब क्या कर दे। अब क्या करें?
ढूंढेंगे उसे और क्या करेंगे। मगर कहां? हाँ, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर कहीं तो होगी वो। सर, खाना क्या? अच्छा था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। क्यों सर? खिलाया तुमने है लेकिन तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं था। सर, मैं इतना अच्छा तो नहीं बनाती। बना तो लेती हो ना? हाँ, बस बना ही लेती हूँ। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना तुम्हारे मंगेतर को तो बहुत पसंद होगा। मैंने कभी बनाकर खिलाया नहीं। हमें तो खिलाओगी ना? पता नहीं सर। क्यों? सर वो सर ये जरीना आकिट के बिल ऑब्जेक्शन लगकर वापस आ गई है। मैंने देख लिया है, मगर ये मेरी बात का जवाब तो नहीं है। सर प्लीज आप ऐसी बातें मत किया करें। क्यों? मुझे डर लगता है। किससे? आपको पता है सर। मिसेस अहमद हसन कमाल से? मत डरा करो उससे, वो तो खुद अपने आप से डरी हुई खातून है। एक्सक्यूज मी सर। सर वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेंडर ओपन करने की तारीख बढ़ा रहे हैं। क्यों? सर वो सेक्रेटरी साहब को ये फुटबॉल फेडरेशन के मसलों में उलझे हुए हैं। कौन है ये सेक्रेटरी आजकल? अली नासिर सर। अली नासिर? अच्छा अच्छा। बहरहाल तुम अपनी आंखें खुली रखो मुइन, ये कॉम्प्लेक्स अहमद एसोसिएट्स की फनकाराना सलाहियतों का मजहर होना चाहिए। ऐसे ही होगा सर। अच्छा तुम ऐसा करो कि अब गाड़ी ले जाओ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से नफीस साहब को साथ ले जाओ इंस्पेक्शन के लिए। अगले हफ्ते पीर साहब से मेरी मीटिंग है। ओके राइट सर। जी अच्छा, ऑल डन। सर सानिया आपकी बेटी। ओह, उसने तो आज अपनी सहेली के साथ यहाँ ना था। हेलो साने। हाँ बच्चे। क्या? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, मिल जाएगी मिल जाएगी। ओ बाबा, अच्छा तुम ऐसा करो कि घर के करीब वाले थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दो, मैं एसएचओ से कह दूंगा। अच्छा बाबा, एसपी सिटी से कह दूंगा। हाँ हेलो। ओ बच्चे तुम क्यों घबरा रही हो? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी। ओके सर, आपका फोन। कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारे लहजे में इतनी कपकपाहट क्यों है अहमद हसन कमाल? देखो तुम्हें मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मेरा ख्याल है जितना हक मुझे तुम्हारे जाती मामलात में दखल अंदाजी का है इतना किसी को भी नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अपनी और तुम्हारी के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहती हूँ। क्या मतलब? बहुत मांग है तुम्हारी बेटी की। क्या बकवास कर रही हो? दौलत खून की तरह तुम्हारे मुंह को भी है और तुम समझ सकते हो कि इस मुल्क के बड़े बड़े जागीरदार और सरकार एक नथ की किस कदर कीमत देने के अहल है। तुम जाओ, तुम जाओ। ओके।
नहीं आ रहा आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? खामोश रहो, तुम कुछ नहीं जानती। जोहरा भाई, तुमने तो ताहरा को वापस लेना था, ये क्या नई कहानी शुरू कर दी? शफी पीर ने हाथ मांगा है ताहरा का। मालूम है मुझे, निमट लूंगी सबसे। अरे तुम तो जोहरा भाई की गर्द को भी नहीं पा सकते। उफ़ल्ला, ये कैसी बातें शुरू हो गई इस घर में। चली जाओ, दफा हो जाओ यहां से। मैं अहमद हसन कमाल के लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दूंगी कि वो अपनी ताहिरा को पी शफी की गोद में फेंकने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं अब भी उसी मझधार में फंसा हुआ हूँ जिसमें कि कल था। मझधार में छोड़कर चली गई थी तुम हमें? मझधार में छोड़ के जाने वाली को माँ नहीं कहते। ये एक लफ्ज है, मगर तलाक एक लम्हे की भूल होती है जो उम्र भर का रोग बन जाती है। शादी दिल के फैसले से नहीं, अक्ल के फैसले से की जाती है। नहीं, नहीं, नहीं। और माँ की अगर बेहद्दी हो जाए ना तो आसमान भी हिमायत पर उतर आता है। आप मुझे आसमान समझ लें तो बात साफ हो जाएगी। देखो बच्चा, देखो कुदरत का इंतकाम, आज तुम्हारी अपनी बेटी उन्हीं रंगों को सचा है, मॉडलिंग में तुम्हारा नाम ऊंचा कर रही है। नहीं करना चाहिए था मुझे कॉम्प्रोमाइज।